तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये आज का जो ब्लॉग है, मैं अपने एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी दोस्त है मेरी श्वेता, उसके लिए है ये ब्लॉग। ठीक है, मेरी जो दोस्त है वो दार्जिलिंग की रहने वाली है, ठीक है, जो कि इनका हाल ही में शादी हुआ है। और मैं आप सभी को इस ब्लॉग में दिखाना चाहूँगा कि जो दार्जिलिंग में जो शादी होती है, वहाँ का जो कल्चर है, जो वहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, मतलब वहाँ का मैं हर एक चीज़ कवर करने वाला हूँ इस ब्लॉग में और आप सभी को दिखाना चाहूँगा इस ब्लॉग में। सबसे पहले श्वेता, आपको आपके शादी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इस मेरे यूट्यूब चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर, उनके तरफ से भी आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं शादी की, ठीक है। एंड आई एम रियली सॉरी श्वेता कि मैं तुम्हारे शादी में आ नहीं पाया था। तुम्हें मैंने बताया भी था कि क्या थोड़ा प्रॉब्लम आ चुका था यहाँ पर, ठीक है। बट यार, हम बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं लखनऊ में, ठीक है, तुम और तुम्हारे हस्बैंड के साथ, ठीक है, और जितने भी यहाँ पे फ्रेंड हैं उनके साथ मिलेंगे हम लोग ज़रूर, ठीक है। और ये जो तुम्हारा वीडियो है शादी की, मैं अपने सभी व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा, ठीक है, तो आप देखो। और बाकी जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इनको विश किया है, उनका वीडियो जो है मैं आखिरी में डाल रखा है, ठीक है, तो आप शुरू से लेकर के एंड तक वीडियो देखना। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में हम इस वीडियो के आखिरी में, ठीक है, आप सब वीडियो देखिए। Thank you.
Hello Shweta, I'm so happy that you got married to your favorite person. All I want to say is that you are one of my kindest and hot friend of my life. My school days would have been incomplete without your company yaar, and we had lots of memories together. वैसे तो तुझे याद होंगे हमारी सारी memories, हम कितने मज़े किया करते थे school time पे. Thank you for being a great friend for all these year yaar, and good luck for your future. And I wish you live happily with lots of never ending love. And I miss you so much. And I'm really sorry that I'm not able to come to your wedding. मन मेरा बहुत था आने का पर मैं आ नहीं पाई. I'm really sorry यार उस चीज़ के लिए. And stay blessed. And see you. Thank you. Bye bye. See you soon. Hi. Hi Shweta. कैसी है? We go video. तेरे बारे में बोलूं तो अगर तुझे एक वर्ड में कभी डिस्क्राइब करना पड़े तो adorable. You are such an adorable girl for me. Loving? Yes, you are loving. पता चला तू ना मेरे लाइफ की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट. मेरी लाइफ जब बहुत ज्यादा डाउनवर्ड में जा रही थी, तू थी जब जिसने मुझे वो साइड दिखाई लाइफ की जो मैंने शायद कभी नहीं देखी. तू ना मेरे लिए एक होप बन गया थी लाइफ में, एक होप कि हाँ मैं लाइफ को दूसरे तरीके से भी जी सकती हूँ. तू मेरी लाइफ, तुझे पता है तू ना मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है. अगर वैसे तो मेरे बहुत
बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन तू उसमें नंबर वन प्लेस पे आती है। पता है क्यों? क्योंकि जब मैंने सोचा था कि हाँ मैं पढ़ नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, एक उम्मीद की किरण बन के आई थी तू मेरी लाइफ में। सच्ची तेरे को पता है जहां सब मुझे उल्टा सीधा कुछ भी बोलते थे, लेकिन तू जब मेरे को कुछ और अलग अलग नामों से पुकारते थे ना, मुझे बुरा नहीं लगता था, पता नहीं क्यों, लेकिन तेरे से ना अलग ही वाइब्स आती थी मुझे। ऐसा लगता था कि कोई है, अगर कुछ भी हुआ ना, एक पर्सन है लाइफ में जो मेरी हर एक बात सुनेगा, हर एक काम में मेरा साथ देगा, वो तू थी। पता है लाइफ में कभी भी मुश्किल आई ना, तो मैंने बस तुझसे बात की और मुझे पता ही नहीं चला उस मुश्किलों में तूने मेरे लिए सॉल्यूशंस कब ढूंढ लिए। तुझे याद है हम लोग मैं तेरे घर आया करती थी, तेरे घर नेपाली रेजिमेंट में, वहां पे हम लोग अकेले वॉक पे निकल जाते थे कभी कभार, तो हम लोग अपनी लाइफ की बातें करते थे, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो। लेकिन उन बातों में ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन था ना कि तेरे साथ शेयर करने के बाद ना मन बहुत हल्का हो जाता था। तू ना क्या बोल रही है, मेरी लाइफ की सबसे सबसे अच्छी फ्रेंड है, सीरियसली। कुछ भी कहो, तेरी जगह ना आज तक कोई ले पाया है, ना कोई ले पाएगा। हाँ आजकल हमारी ज्यादा बातें नहीं होती क्योंकि तू अपनी लाइफ में बिजी, मैं अपनी लाइफ में बिजी, लेकिन जब भी बातें होती है दिल से दिल की बातें होती है हमारी। तू रियली बहुत स्वीट है, लविंग है, केयरिंग है, तेरे दिल में ना बहुत सारा प्यार है और वो तेरी सबसे अच्छी खूबी है। तू हमेशा सबके लिए अच्छा सोचती है, ये ना मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। अब कहूं तेरी शादी की बात, सो 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 सॉरी तेरी शादी में नहीं आ पाई उसके लिए, बट सीरियसली यार मैंने तेरे को बहुत मिस किया। तेरी शादी के 3 दिन पहले से मैं तेरे को हर रोज विश कर रही थी तेरी शादी के लिए, तूने मैसेजेस भी देखे होंगे। मैं हमेशा से तेरी शादी में आना चाहती थी, बट तू जानती है मैं नहीं आ पाई, रीजंस भी तू जानती है, लेकिन तू जब भी मिलेगी ना, मन करेगा ना मैं तेरे को कस के हग करूंगी, सच्ची। वो हक ना सच मैं तुझे कस के हक कर पाई, क्योंकि मैं तुझे बहुत 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 मिस कर रही हूँ। ठीक है, और बस इतना ही, तुझे मिस कर रही हूँ, तेरी शादी मिस की, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट तू ना हमेशा एक बार, अगर तुझे कोई चीज पसंद आ जाए ना, तू हमेशा एक बार और तू जो मुझे अलग अलग नामों से पुकारती थी ना, वो आज तक मुझे किसी ने भी नहीं बोला है। पता है तुझे, तू तेरे दिए हुए मेरे को नाम ना आज तक कोई नहीं बोला है, मेरे को इतने अच्छे अच्छे नाम मिले, लेकिन तू एक यूनिक बंदी है जिसने मुझे इतने गंदे नाम देने के बाद भी मुझे बुरा नहीं लगता। तू आज भी मैसेज करेगी तो सबसे पहले वही नाम होगा। स्कूल डेज की बात ही कुछ अलग थी, हम लोगों का बंक मारना, क्लासेस में पीछे बैठ के खाना खाना, अपने ग्रुप का इतना मस्ती करना, बहुत मिस करती हूँ। तुझे याद है हम लोग 12th के एग्जाम के बाद मैं लास्ट टाइम तेरे घर आई थी और मैंने तुझसे तेरी फोटो ली थी, वो फोटो मैंने आज तक संभाल के रखी है और बहुत अच्छे से संभाल के रखी है, हमारी फेयरवेल की फोटो।
वो फोटोज ना मैं हमेशा अपने पास कहीं भी शिफ्ट होती हूँ, जहां भी पढ़ती हूँ वहां वो फोटोज मैं हमेशा कहीं रखती हूँ। जब भी याद आती है तेरी, बस तेरी वो फोटो देख लेती हूँ और तुझे याद कर लेती हूँ बस। बट आई मिस यू एंड आई लव यू, आई मिस यू, बाय। हेलो श्वेता, याद आ गई मेरी? मेरा नाम भी याद है तुमको? बट मुझे सब कुछ याद है। कंग्रेचुलेशन एंड लाइक आई हैव गॉट न्यूज फ्रॉम द सोशल मीडिया एंड अदर पर्सन दैट यू आर मैरिड नाउ फ्रॉम मिस श्वेता टू यू हैव बिकम मिसेस श्वेता। सो कंग्रेचुलेशन एंड वेरी हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशन एंड फॉर द थिंग्स आर आई लव यू एंड आई मिस यू बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। कंग्रेचुलेशन दैट यू हैव मैरिड लव ऑफ योर लाइफ and you are funniest and the craziest couple I have seen as I got to know some things. So congratulations and we'll be like, I want to know if we'll be getting a party or not. Are you willing to give it or not? Tell me this thing in person, otherwise I will kill you because I am very angry because you have not called me or told me that Rashmi, like I am getting married. And because when I saw you like getting married and being a bride, like it was like very awesome feeling I got. So like I was like someone I was very close to got married and we were best friends and we have shared various other things. You as a person was confident and you are songs rapta kehte hain khuda ne is jahan mein sabhi ke liye kisi na kisi ko hai banaya aur kisi ke tera milna hai us rab ka ishara mana hai other I don't know iske aage kya aata hai but still we have sang the song together and we have eaten tiffins in between the recess, in between the classes, and we have stolen someone's other tiffins and also like we have bunked our class by saying we have a practice in the ground and we have to go to select students from other classes and what other things we have shared, like we have cried side by side at some times and we have shared various secrets. So that was the time like I miss a lot and I miss you so much. We have like you were like I remember like you have got ill and you have got notes for me. You came to my house and you took my notes. So that were the things like I remember. And other things were like we drive our bicycle to the homes and we sometimes walk to the school if in between we meet. So these are the things were like we have. What we miss is like getting older is very, very bad. And the school life was awesome. And I miss you so much, you and Prerna and other girls and other boys in the school. So, and your hairstyles, every time in 2 months you change your hairstyle and you look very awesome. And that one, what we say, that laser cutting you have got, you have two ponytails. So, that was the awesome hairstyle you got. So, I'm very angry because I cannot talk to you in person. तो भैया आपने वीडियो देख लिया, कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।